नमस्कार, हरियाणा हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। इस बुलेटिन में आज हरियाणा की चार बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। भाजपा के मिशन 75 की बात करेंगे। हरियाणा कांग्रेस के बीच घमासान मचा हुआ है, वो भी आपको बताएंगे। इनेलो नेता ओपी चौटाला फंस गए हैं, इस पर भी पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। इन तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गर्मी की, जिसने पूरे प्रदेश में मानो धारा 144 लगा दी है। लोगों का जीना मुहाल कर दिया है इस गर्मी ने। लोग गर्मी से इतने परेशान हो चुके हैं कि तोबा तोबा कर रहे हैं। प्रचंड गर्मी और सूर्य देव के तीखे तेवर के कारण हरियाणा जैसे तंदूर में बदल गया है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। राज्य में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान सिरसा के तलवाड़ा में दर्ज किया गया है। यहाँ अधिकतम तापमान 39 डिग्री पर पहुंच गया। गर्मी के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। गर्म हवा के थपेड़े लोगों को झुलसा रहे हैं और रात को भी गर्म हवाएं चलती हैं। राज्य में सिरसा के गोरीवाला और झज्जर के बहादुरगढ़ में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश के 16 जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहा। हालांकि मौसम विभाग को आज शाम या रात से मौसम में बदलाव की आशंका है। मौसम विभाग ने आज रात और कल बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है।